ओके यस यस आगे आ जाओ। यस यस गुड। हम तो अभी डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बेटा, नहीं भी आएगा तो आई एम देयर टू एक्सप्लेन। यस यस यस। प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट? सिर्फ परसेंट का मीनिंग बताना है, प्रॉफिट परसेंट नहीं। प्रॉफिट परसेंट आपको मैं बताऊंगी। आपने किया हुआ है ये क्लास में बेटे, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट? यू डन, रेज योर हैंड। Have यू कम बैठो बेटा। ओके सिट डाउन, इट्स ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके आई एम गोइंग टू टेल यू। ये जो प्रॉफिट परसेंट हुआ है मुझे, प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो हमेशा मेरे को कॉस्ट प्राइस पे होगा, दैट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है रुपीज में, दैट विल बी पुट हियर। प्रॉफिट इज ₹50। ठीक है, प्रॉफिट मुझे कहाँ से हुआ? जितना मैंने मनी आपने स्पेंड की थी, जितने में मैंने चीज फैक्ट्री से खरीदी थी। ठीक है, जो हमने मार्केट का सिनेरियो बनाया है कि आई एम द शॉपकीपर, यू आर द कस्टमर, तो शॉपकीपर ने फैक्ट्री से जो चीज खरीदी थी ₹300 की, ठीक है, उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ। राइट इट एज 50 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 आफ्टर कटिंग वट एवर कम्स, जो भी आएगा आंसर वो परसेंटेज में आपके पास प्रॉफिट परसेंट होगा। दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी बुक्स में भी किया होगा, क्लास में भी किया होगा, तो आपको बस ये याद रखना है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस किसकी? शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस। ओके नाउ सिमिलरली लॉस परसेंट, इफ आई फाइंड आउट लॉस परसेंट देन ऑल्सो आई विल से लॉस बाय सीपी इंटू 100, तब भी मैं सीपी पे ही निकालूंगी। राइट, क्योंकि फायदा या नुकसान किसको होता है? शॉपकीपर को। कभी कभी वो उसको प्रॉफिट होता है कि जब वो ज्यादा में बेचता है, कभी कभी उसको लॉस होता है जब वो कम में बेचता है। सपोज उसके पास कोई पुराना स्टॉक हो गया या कुछ डैमेज हो गया, तो वो उसको लॉस में भी बेच देता है कि एटलीस्ट शॉप से सामान निकालने के लिए। ओके बच्चे, सो यू शुड नो हाउ टू यूज दिस फॉर्मूलाज, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इन क्वेश्चंस। ओके वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। ओके एंड ओपन द मॉड्यूल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। राइट एवरीबॉडी हैज गॉट मॉड्यूल? यस बेटा, फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन हम सेकंड वाला पहले कर रहे हैं, फर्स्ट वाला बाद में करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। पहले हमने जो डिस्कस कर लिया प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एसपी, सीपी, ठीक है, उसके बारे में हम ही पहले क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हाउ टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज इन क्वेश्चंस। ओके पहले हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, यू कैन नोट डाउन इन द रजिस्टर वेयर एवर यू आर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर टू वी आर डूइंग, ऑल दो इट इज एमसीक्यू बट यू हैव टू डू लिटिल कैलकुलेशन, उसके बिना आंसर नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर टू, रेवन ठीक टीवी फॉर ₹8400, सेल्स सेल्स सेलिंग प्राइस उसकी दी हुई है ₹8400, यस, एंड मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, वेरी क्लियरली इट इज रिटन प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20, आपको 20% दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, प्लीज माइंड इट। देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इन मनी, मनी फॉर्म में होगी ₹20, ₹30, ₹10। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट विल बी इन परसेंटेज, जिसको हमने रुपीज में कन्वर्ट करना है अभी। ठीक है, एंड वॉट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी? कॉस्ट प्राइस निकालनी है इसमें, सीपी। सीपी आपको पता ही नहीं है कि शॉपकीपर ने कितने में खरीदा था, बस हमें उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। ₹8400 जो सेलिंग प्राइस है ₹8400, वो किसने पे किया, शॉपकीपर ने या कस्टमर ने? आई जस्ट दिस आई वॉन्ट टू कॉल सुनील कुमार, सी सेक्शन टू। सुनील, यस वेरी गुड, प्लीज कम। सिर्फ आपने ये बताना है
ये जो सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 8400, वो मनी किसके किसने पे किया, शॉपकीपर ने या कस्टमर ने? कस्टमर यस, कस्टमर ने पे की है, उसने खरीदी है इतने में. यस, वेरी गुड, गो बैक. यस, सो वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट. सी, इट इज रिटन हियर. अभी तो सिर्फ हम प्रॉफिट और सीपी की बात करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा. ओके, हाँ, प्रॉफिट परसेंट इज गिवन 20%. तो प्रॉफिट जो परसेंट है उसका हमें फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 होता है. ये तो आपको पता ही है, ठीक है. अभी ये जो प्रॉफिट परसेंट है, इट इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू प्रॉफिट, जो कि मुझे पता नहीं है, सीपी भी पता नहीं है, इंटू 100. अब इसमें दो अननोन है, ना तो मुझे प्रॉफिट पता है ना मुझे सीपी पता है. क्वेश्चन जो है वो किसी और तरीके से शुरू करना पड़ेगा, नॉट बाय डायरेक्टली फॉर्मूला. कहाँ से शुरू करना है? हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट से. प्रॉफिट परसेंट का मतलब है कि इफ कॉस्ट प्राइस मेरे पास 100 रुपीज है, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू मेरे पास होगा ₹20. प्रॉफिट परसेंट का मतलब ये है. ओके, अकेला प्रॉफिट परसेंट को अगर मैं देखूं, 20% का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई चीज 100 रुपीज की है, तो उसको मैंने 20 रुपीज ज्यादा में बेची है, ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा? व्हाट इज सेलिंग प्राइस? यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. यू नो, एवरीबडी नोज द फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. तो वी कैन फाइंड एसपी फ्रॉम हियर, इट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी. ओके, प्लीज फाइंड आउट, निकालो इसको जल्दी, कितना आ रहा है एसपी? ₹120. 120, यस, एसपी इज कमिंग 120. यस, तो ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारी इमेजिनेशन वाला है. ये हमारा हमने खुद इमेजिन किया है. वी हैव मेड आर ओन स्टोरी बाय नोइंग द परसेंटेज, ठीक है. ये कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये हमने खुद बनाना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड, कि मेरे पास जब 100 रुपीज की चीज होती तो मेरे को 20 रुपए ज्यादा देने पड़ते, और फिर उसकी कॉस्ट क्या होती? 120 होती. ओके, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन जो हमें बनानी पड़ेगी. अभी मेरे को यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना है. ओके, यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे कि इफ एस पी इज इक्वल टू ₹120, ठीक है, देन सीपी हमारे पास क्या थी? ₹100. इफ एस पी इज इक्वल टू ₹1, देन सीपी कितना होता मेरे पास? 100 बाय 120. एंड इफ आई हैड एस पी इज इक्वल टू ओरिजिनल जो मुझे दिया हुआ है ₹8400, अगर 8400 होता तो मेरे पास सीपी होती 100 बाय 120 इंटू 8400. कहने को ये एमसीक्यू है, लेकिन इट इज अ फुल मार्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एटलीस्ट, ठीक है. अगर आगे आपको सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, इट इज ऑफ 3 मार्क्स. बहुत कुछ लिखने वाला है इसमें, और बहुत जहां पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है. आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए. फर्स्ट स्टेप इज दिस, एसपी निकालने के लिए. सेकेंड स्टेप इज आपका यूनिटरी मैथड. थर्ड स्टेप जहां पे आपको मार्क्स मिलने हैं, इसको कैलकुलेट करने के मार्क्स मिलने हैं, थर्ड स्टेप. तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजीली बनता है, ठीक है. वेदर इट कम्स इन सब्जेक्टिव और एमसीक्यू, आपको ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे. एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग, प्लीज टेल मी व्हाट इज सीपी. काफी बच्चों ने कर भी लिया होगा. यस, गुड, दिस इज वेरी वेरी इजी कैलकुलेशन. 0 0 कट कर रहे हैं, एंड बोथ आर इवन नंबर्स. जल्दी से, आई एम गोइंग टू कॉल द नेम इन अ मिनट. यस, सेक्शन 1, अंजलि, अंजलि आ चुके हैं बच्चे. इफ यू हैव फाउंड, यस, आगे आ जाओ. अगर नहीं निकाला तो कर लो अभी. एंड जिसने कर लिया है, आई एम गिविंग यू हिंट, आंसर आना चाहिए आपका 7000. वेरी गुड, किसने कर लिया? रेज योर हैंड.
Yes. 7,000 is coming. I can see hand. Very good. Very good. Yes. Good. 7,000 rupees is the cost price. ठीक है, जिन बच्चों का थोड़ा सा रह गया है कैलकुलेशन, दे कैन कंप्लीट इट लेटर. बहुत इजी कैलकुलेशन है. इसका ऑप्शन आ रही है ई ऑप्शन 7,000. बेटा दिस इज सच अ क्वेश्चन, कभी भी आपका टेस्ट हो, चाहे वो 20 मार्क्स का है चाहे 80 मार्क्स का है, आपके ऐसा क्वेश्चन कभी भी टीचर स्किप नहीं करते. टीचर ऑलवेज टीचर ये टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, यू नो, जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं. ओके, दीज आर फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ ऑल द टीचर्स. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैम ने पेपर बनाया एंड शी लीव दिस क्वेश्चन कि सीपी के बारे में नहीं पूछे, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन जहां से आपके सारे फॉर्मूलाज और ट्रिक्स के बारे में पता चलता है कि आपने कैसे सोचा क्वेश्चन को. ओके बेटे, सो 7,000 अब तक तो सबका निकल गया होगा. रेज योर हैंड. 7,000. ओ आई कैन सी सो मेनी हैंड्स. टू गुड, प्लीज मार्क इट ए ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं थर्ड वाला. थर्ड में भी प्रॉफिट लॉस एसपीसीपी यूज हो रहा है. अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं गए हैं. ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन पहले करेंगे. यस, थर्ड क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, पहले जो जो गिवन है उसको लिखेंगे. अ रिटेलर बायस, रिटेलर कौन है, शॉपकीपर. रिटेलर इज शॉपकीपर. ठीक है, ये नए नए नेम जो आते हैं इनको लिख लो. बायर, परचेज किया, बॉट किया, सोल्ड किया, एंड रिटेलर. रिटेलर कौन है, शॉपकीपर. शॉपकीपर बायज अ वॉच फॉर ₹480. टेल मी कि ये शॉपकीपर जो है उसने बाय की है 480 रुपीज की, तो इस शॉपकीपर का क्या होगा, सीपी या एसपी. सीपी. किसने बोला, रेज योर हैंड, किसने बताया. यस, अदर्स ऑल्सो अग्री. बाकियों को समझ आया कि रिटेलर ने इसको खरीदा है. मैं शॉपकीपर हूं, अगर मैं आज फैक्ट्री में जाती हूँ कुछ खरीदने के लिए तो मेरे को कॉस्ट देनी पड़ेगी ना, मेरे को मनी देनी पड़ेगी. तो उसका ये कॉस्ट प्राइस हुई. पिछले क्वेश्चन में आपकी कस्टमर की कॉस्ट प्राइस थी क्योंकि आपने मेरे से खरीदा था, शॉपकीपर से. आज मैं फैक्ट्री में जाती हूँ कुछ खरीदने के लिए तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी ₹480, जो मेरे को अपने पर्स से देनी पड़ी मनी. ठीक है बेटे, तो रिटेलर से जो कॉस्ट प्राइस है, आपको तो सीपी लिखना है यहाँ पे, रिटेलर के बारे में नहीं लिखना. यहाँ पे यू विल राइट डाउन ₹480. ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज गिवन. इफ ही सेल्स द वॉच फॉर ₹600. अब मैं अपनी शॉप में आ गई वापिस फैक्ट्री से और मैंने आपको वो बेच दी ₹600 में. अभी मेरी सेलिंग प्राइस हो गई है इज इक्वल टू ₹600. ठीक है बेटे, वेरी सिंपल क्वेश्चन. और आपको इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट. और लॉस परसेंट निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. हमें नहीं पता कि वो लॉस परसेंट उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, पहले तो हमें मनी निकालनी पड़ेगी. परसेंटेज डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाएंगे, मनी निकालनी है फिर उसके बाद उसको परसेंटेज निकालनी है. ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे. बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, हमें इंडिकेशन मिल रही है कि सेलिंग प्राइस वाज मोर देन कॉस्ट प्राइस. इंडिकेशन मिल रही है, बहुत ही डिफरेंस है 600 और 480 रुपीज में. तो हमें पता है कि प्रॉफिट होने वाला है. प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. ठीक है, तो ये जो एसपी माइनस सीपी है ये क्या है आपके पास, प्रॉफिट इन रुपीज. प्लीज कैलकुलेट. वेरी गुड, थोड़ा सा फास्ट आपका पेन चलते रहना चाहिए. यस आई कैन सी हैंड. यस व्हाट इज कमिंग बेटा, कितने रुपीज का उसको फायदा हुआ. 120, 120 रुपीज उसको बेनिफिट हुआ. ठीक है, अभी हमें नहीं निकालनी है परसेंटेज. परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100. सब कुछ आपके सामने है, प्लीज कैलकुलेट. आई एम गिविंग यू टाइम. कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं 2 मिनट और देती हूँ सबको करने दो. यस, ये वही वाला फॉर्मूला जो हमने पहले भी यूज किया था. ठीक है, प्लीज कैलकुलेट एवरीबॉडी. बहुत
कैलकुलेशन है, छोटे छोटे डिजिट्स हैं इसमें. इज इट कमिंग आउट टू बी 25%? रेजो हैंड, किस किसने कर लिया? यस, गुड गुड गुड. ये चैप्टर जिसको समझ आ गया, दे आर वेरी ब्राइट चिल्ड्रन आई शुड से. ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा इसमें थॉट प्रोसेस लग रहा है इस चैप्टर में, और काफी बच्चे ना इन चैप्टर्स को डिफिकल्ट समझते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना आपको यू हैव टू डाइव इन टू द क्वेश्चन इस इन इन टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज आपके बेटा 8th में भी आने वाला है. अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया कंसेप्ट, तो 8th में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी. ऑलराइट, चलो वेरी गुड. ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन मींस फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन जो आपकी असाइनमेंट में है, आई वांट टू गिव यू एज अ होमवर्क, क्योंकि आपको अभी समझ आ चुका है कि कैसे करना है. ओके, दिस इज सेलिंग प्राइस निकालनी है इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. हिंट मैं आपको दे रही हूँ, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लो, इट इज सी ऑप्शन. प्लीज डू एट होम सी ऑप्शन, जिसका आ जाएगा इट विल बी वेरी करेक्ट, अदरवाइज यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम. कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपने ऑलरेडी किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन. ठीक है बेटे, एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो योर होमवर्क. बहुत ईजी क्वेश्चन है, लॉस परसेंट निकालना है. अभी अभी हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला था, उसमें लॉस परसेंट निकालना है. ठीक है बेटे, 6th क्वेश्चन इज ऑल्सो योर होमवर्क. दो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, 6th का भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इट इज बी ऑप्शन. कर लो, लेकिन डू इट योर सेल्फ. ओके बेटे, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है. आई कैन डू ऑन द बोर्ड ऑल्सो, बट इट विल सेव योर टाइम. अभी आपको समझ आ चुका है, यू कैन डू एट होम. अभी मैं आपको न्यू क्वेश्चन मैं करवाऊंगी जो थोड़े से डिफिकल्ट है. इजी वाले आई एम लिविंग इट टू यू. ओके बच्चे, नाउ आफ्टर दिस आपका जो स्टार्ट हो रहा है कंसेप्ट वो है, इसके बाद आपका करना है सिंपल इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज है? ठीक है, अभी हमने इंटरेस्ट की बात करनी है. अब आपका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट हो गया, इतना ही है आपके सिलेबस में. ठीक है, अभी आपने जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटे वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट. इसको भी कई बच्चे थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं, पर अगर आप ध्यान से सुनोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. ठीक है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट ओनली. कोई कई इसको नॉर्मल जो मैं आपको बात बताऊंगी, जो भी मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बतानी है, वो इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगी. ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? सपोज आज मेरे को एक कार बाय करनी है, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, लेकिन आई डोंट हैव दिस मच मनी. जितने की कार है मेरे पास उतनी मनी नहीं है. सपोज मैं क्या करूंगी, मैं आज आस्क माई फ्रेंड, या तो मैं अपनी फ्रेंड को पूछूंगी कि मेरे को एक्स्ट्रा मनी चाहिए. ठीक है, और या फिर मैं बैंक से लोन लूंगी. बैंक में मनी होती है, ठीक है, आपके पेरेंट्स से उनका अकाउंट होता है बैंक में. तो बैंक में क्या है, बैंक जो है इट कॉपरेट्स विद यू. कॉपरेट्स मतलब कि आपको अगर एक्स्ट्रा मनी कभी चाहिए अपनी जरूरत के लिए, हाउस बनाना है, कोई बहुत बड़ी मेजर आपने कोई चीज खरीदनी है, तो उसके लिए बैंक आपको लोन दे देता है. बैंक इज ऑल्सो लाइक अ फ्रेंड, कि वट एवर इफ यू विल से कि मेरे को इतनी मनी एडवांस में चाहिए, तो आप लोन ले लेते हो. लोन मीन्स कि आप बोरो कर लेते हो. लोन वर्ड जो है, इट मीन्स यू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक. ठीक है, जब बोरो करोगे मनी और आप उसको यूज करोगे, तो यूज करने के बाद जब बैंक को वापस भी करनी पड़ेगी. अगर आप फ्रेंड से कुछ मनी लेते हो, यू बोथ ऑफ यू टू फ्रेंड्स गो टू मार्केट, अगर एक के पास में पैसे नहीं है, तो यू बोरो फ्रॉम ईच अदर ना, कि हाँ चल तू पे कर दे, मैं कल तेरे को घर जाके वापस कर दूंगी. ठीक है, तो वो जो मनी है, बोरो मनी है, वो वापस भी करनी होती है. ठीक है, अभी मैंने जब बैंक से लोन लिया, तो मेरे को 1 ईयर के बाद, 2 ईयर्स के बाद रिटर्न भी करना होगा. अगर मेरे को रिटर्न करना है, तो सेम मनी नहीं रिटर्न करनी. अगर मैंने सपोज 50,000 लिए, बैंक से लोन लिया 50,000 का, तो 50,000 एक साल के बाद मैं 50,000 नहीं रिटर्न करूंगी. मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करनी है, क्योंकि बैंक को भी तो फायदा होना चाहिए ना, जो बोरो करता है उसको भी फायदा होना चाहिए, कि मैंने मनी किसी को दी हुई है, बस वापिस आएगी 1 ईयर के बाद, थोड़ी एक्स्ट्रा मनी आएगी. ओके, तो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा मनी? वो जो एक्स्ट्रा मनी आपने देनी है, दैट विल बी इंटरेस्ट.
इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर के लिए अगर मैं मनी रखती हूँ अपने पास, 1 ईयर के बाद मेरे को कितना देना पड़ेगा? मे बी 10% देना पड़ेगा, और 10% मोर देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब 10% ऑफ 50,000 मेरे को एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी। इट मीन्स इफ आई कट हियर, आई हैव टू गिव 5,000 एक्स्ट्रा। 50,000 तो देना ही है, जो मनी थी जो मैंने बोरो की थी उसके ऊपर मेरे को 5,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कितनी मनी मेरे को? 55,000 मनी बैंक बैंक को देनी पड़ेगी, ठीक है। अबे ये जो स्टोरी है इसमें आपके जो जो मैथमेटिक्स फॉर्म में उनकी टर्म्स कैसे यूज होती हैं, दिस वाज द प्रिंसिपल जो मैंने लोन लिया उधर से बैंक से, ठीक है। दिस वाज द इंटरेस्ट रेट था उसका, रेट रेट आर जिसको हम बोलते हैं, रेट मतलब कि उसका रेट कितना है, कि एक साल के बाद अगर मैं मनी दूंगी तो 10% देना पड़ेगा या 5% या 7% या 8%, वो अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, ठीक है बेटे। ये हमारा हुआ रेट। और कितने कितने साल के बाद वापस करनी है? टाइम विल बी 1 ईयर एंड दिस विल बी द अमाउंट जो मुझे वापस करनी है एंड दिस विल बी द इंटरेस्ट जो मैंने कैलकुलेट किया है 5,000, ओके। तो आपको ये जो फॉर्मूला जो बना हुआ है, यू नीड नॉट मेक दिस ऑल इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस स्टेप डूइंग दैट स्टेप, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया है, फिक्स फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंगली आपने वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, आपने किया भी होगा क्लास में, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला आपका यूज होता है सिंपल इंटरेस्ट का। ये क्या चीज आई है? ये आपको आएगी रुपीज में मनी आएगी कि इतने रुपीज आपने वापिस करने हैं बैंक को। प्रीवियस मनी जो आपने खरीदी, जो आपने बोरो की थी उसमें ये एड ऑन करके आपने देनी है, ओके बेटे। जो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और ये क्लियर होगा टॉपिक। वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी जो मॉड्यूल में फर्स्ट क्वेश्चन था वो सिंपल इंटरेस्ट से कंसर्न था, इसलिए मैंने छुड़वा दिया था आपको पहले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली ताकि ये पता चले कि क्या गिवन है, पी गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है, तो क्योंकि वैल्यूज लगानी है। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी लेंट एट 9%? ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, जो मैंने कह रही हूँ कि मैंने 50,000 बैंक से लिया था, तो दैट इज नॉट गिवन। इतना ये चीज नहीं हमें दी हुई है कि इस क्वेश्चन में कि हमने कितनी मनी बोरो की। इट मीन्स पी इज अननोन, पी इज अननोन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स कि वैल्यू कितनी मैंने लेंट की, दैट इज नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट। एट 9% पर एनम रेट इज गिवन, 9% पर एनम, पर एनम, एनम मीन्स 1 ईयर, शॉर्ट फॉर्म में पी ए लिखते हैं, पर मीन्स 1, एनम मीन्स ईयर, 1 ईयर, ओके। एंड सिंपल इंटरेस्ट इज फॉर 6 ईयर्स, मुझे दिया हुआ है 6 ईयर्स, ओके बेटे। तो आपको निकालना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 2 रुपीज 810, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, एसआई भी दिया हुआ है 810। जो जो आपको वैल्यूज बेटा इसमें दी हुई है हमने डाल देनी है। पहले हमने पूरा अपना टेबल बना लिया, क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड आउट करना है, फिर हमने इसमें वैल्यू लगा देनी है। फॉर्मूला है आपके चैप्टर में, अभी 7th क्लास में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ओके। प्लीज पुट द वैल्यू, 810 इज इक्वल टू पी इज नॉट नोन, आर इज 9, कभी 9% नहीं लिखना, ओनली 9 लिखेंगे, ओके। परसेंट तो उसकी क्वालिटी की, वो परसेंटेज की फॉर्म में हमारे से मनी लेते हैं। इट इज टी, टी इज 6 डिवाइडेड बाय 100। सो इसकी कैलकुलेशन करके आपको सिर्फ पी जो है अननोन है आपको दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। विल यू डू इट? यस, क्विकली स्टार्ट योर पेन, वेरी गुड। सेक्शन 4 आई कैन सी हैंड,
या प्लीज कैलकुलेट बेटा, इसको हम पहले इधर ट्रांसफर करेंगे, 810 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6 विल बी इक्वल टू पी। अगेन दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, दिख रहा है आपको कितनी इजी कैलकुलेशन है ये। एनीबडी हैज फाउंड, शैल आई स्टार्ट? सिक्स 15 are 90, तो पी इज कमिंग 1500। किसी ने निकाल लिया 1500? किसने निकाला है तो रेज योर हैंड। यस ओके, डू इट डू इट, गुड। एनीबडी हैज फाउंड 1500? यस यस आई कैन सी हैंड्स। यस किस किस का हो गया, रेज योर हैंड हु हैज डन 1500। आई गेट ऑन साइड, दिस इज वेरी इजी कैलकुलेशन। अगर आपको कोई टेबल नहीं आता, यू कैन डिवाइड ऑल्सो, ठीक है। फाउंड, रेज योर हैंड। यस गुड गुड गुड, या वेरी नाइस, दिस ऑप्शन इज कमिंग, प्लीज मार्क इट, बी इज द ऑप्शन, 1500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन, जो भी ये भी आपका एसआई से रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। फिफ्थ क्वेश्चन, रॉबर्ट डिपॉजिटेड रुपीज 12,500 इन अ बैंक। डिपॉजिटेड मतलब इनिशियली उसने कितने रुपीज पे किए, 1200, 12,500, ओके, एंड फॉर 3 इयर्स, टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स, ओके, एंड आफ्टर 3 इयर्स ही रिसीव रुपीज 3,000 एज इंटरेस्ट। अभी उसको इंटरेस्ट मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला है 3,000 रुपीज, ठीक है, 3,000 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिला है। बेटा वन थिंग यू शुड नो कि जब हम बैंक में मनी रखते हैं तो हमें 1 साल के बाद एक्स्ट्रा मनी मिलती है, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी जो मिली है दैट इज ऑल्सो इंटरेस्ट, तो हमें अगर मैंने इतने रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं बैंक में तो मेरे को 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। कितने साल के बाद, 3 इयर्स के बाद इट इज गिवन। सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रिसीव फ्रॉम द बैंक। दे आर आस्किंग रेट कि कितना रेट है उसका, 10% था, 5% था, 9% था, या क्या था। आई सजेस्ट जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है प्लीज स्टार्ट इट, क्योंकि एक ही फॉर्मूला आपका बार बार लग रहा है, ठीक है। आपको पता है इसमें वही एस आई वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, जो जो गिवन है उनकी वैल्यू डाल दो। कीप डूइंग, आपका पेन मेरे से भी फास्ट चलना चाहिए क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन भी कर रही हूँ साथ साथ में, ठीक है। एंड द चिल्ड्रन हु नो इट, कीप मूविंग योर पेन, कीप डूइंग योर कैलकुलेशन। जो चीज नहीं पता उसको एज इट इज रख देंगे, और जिनकी वैल्यू पता है उनकी वैल्यू डाल देंगे और उसको कैलकुलेट कर देंगे। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़े से समझ के करने वाले हैं, लेकिन वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफर्टेबल फॉर यू इज कि इनकी कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 100 है, मेनी टाइम्स रुपीज जो है वो उसमें जीरो जीरो होते हैं और जीरो मोस्टली कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे जैसे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। वहां पे हमारे पास पी निकालना था, इसमें आर निकालना है, तो सिमिलरली हम ऐसे करेंगे, 3,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 3, दिस इज 5। किसी ने कर लिया है तो यू कैन टेल मी, फ्यू चिल्ड्रन आर डूइंग फास्ट कैलकुलेशन। 3,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 3,
ये किसी ने? गुड गुड, आई एम वेटिंग, यू कैन अप्लाई। फाइव का फॉर्मूला लगा सकते हो, फाइव का टेबल लगा सकते हो, थ्री का टेबल लगा सकते हो, बहुत इजी है। थ्री से 1000 आ जाएगा ऊपर, 125, आपको पता है फाइव के टेबल में जाता है ये, 25 फाइव जा 125, एंड दिस इज 200, फिर से ये फाइव के टेबल में जाता है, फाइव फाइव जा 25, फाइव फोर जा 20, एंड फाइव ऑल्सो गोज 5 8 जा 40। इफ यू वॉन्ट टू गेट फुल मार्क्स इन एनी क्वेश्चन, पेशेंसली आपको एक 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 स्टेप आगे आगे चलते जाना है, ठीक है? बाय लिपसिंग ऑल्सो, मैंने आपको बोला था धीरे धीरे मन में बोलते भी जाओगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होती है। तो ये जो हमारा आर आया बेटा, एट आया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आर विल बी इक्वल टू 8%, क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। बताया था मैंने आपको, किसी का निकला है 8%? यस गुड, यस प्लीज माइंड इट, यहाँ पे एमसीक्यू है, आपको दिख रहा है सामने की 8% है, इसलिए थोड़ा आपको इजी भी लगता है, क्विकली उसको मार्क कर दो। लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका आंसर रुपीज 8 नहीं आना चाहिए, 8% आना चाहिए, क्योंकि रेट इज ऑलवेज इन परसेंट। ओके, नहीं तो अकेला 8 लिखोगे तो आप ही मार्क्स कटेंगे। ओके, अभी असर्शन रीजन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? फर्स्ट इज असर्शन रीजन, सपना परचेज साइकिल फॉर रुपीज 1000 एंड सोल्ड इट रुपीज 1200। अब तो आप बहुत फास्ट हो गई हो अंडरस्टैंड करने में, आपको दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस उसकी 1000 है और सेलिंग प्राइस उसकी 1200 है। 1000 एंड 1200, कितना डिफरेंस है दोनों में, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। गेन परसेंट इज 40%, गेन परसेंट इज प्रॉफिट परसेंट, ये भी एक नियम है जो आपको पता होना चाहिए, गेन ऑलवेज प्रॉफिट। 40% आएगा क्या? एसपी माइनस सीपी कितना होगा? 200 है ना, यहाँ पे 200 है, 1000 है, कितना डिफरेंस है दोनों का? मेरे हिसाब से तो इसका आना चाहिए आंसर 20%, ठीक है? क्योंकि प्रॉफिट आपको 200 रुपीज का हो रहा है, 200 रुपीज का है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर मैं निकालूंगी पी बाय सीपी इंटू 100, यहाँ पे मेरे हिसाब से 20% आ रहा है, तो दिस ऑप्शन इज फॉल्स, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट, 40% नहीं आ रहा है, इसका 20% आना चाहिए, तो दिस ऑप्शन इज फॉल्स, असर्शन हमारे पास फॉल्स है, एंड रीजन इज परसेंटेज गेन मीन्स टू एक्सप्रेस द प्रॉफिट और गेन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस। ट्रू और फॉल्स बेटा? ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है? परसेंटेज में निकालना मतलब उसको प्रॉफिट परसेंट निकालना या फिर गेन परसेंट निकालना, सो रीजन इज ट्रू, तो हमारी कौन सी ऑप्शन बन रही है इसमें? डी ऑप्शन, असर्शन फॉल्स है एंड रीजन आपका ट्रू है। ओके, नेक्स्ट असर्शन रीजन, कांति परचेज अ स्विंग मशीन फॉर रुपीज 2000, शी सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 40% एंड सेलिंग प्राइस इज 1200, ठीक है? ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर आपने किया था, तो आई विल गिव यू हिंट ऑफ दिस असर्शन, जब आप खुद करोगे इट इज कमिंग ट्रू, ठीक आ रहा है बिल्कुल, एसपी इसका 1200 ही आ रहा है, ठीक है? यू कैन राइट एंड डू इट। रीजन इज द अमाउंट दैट अ बायर पेज टू द बाय टू बाय द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, ठीक है? द अमाउंट दैट अ बायर बाइज, बायर पे कर जो करता है, तो दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, दैट इज ऑल्सो ट्रू रीजन, ठीक है? बोथ आर ट्रू, तो हमारी कौन सी ऑप्शन आ रही है? ए, ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट जो है बार 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 आपका, जब अकेले में आप रिवाइज करोगे, जितना आप ब्रेन अपना पुटअप करोगे इनमें, उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी। एंड इन क्वेश्चन में आपने इमेजिनेशन करनी है, विजुअलाइज करना है सीन, कि कौन शॉपकीपर है, कौन कस्टमर है, किसने कितने का खरीदा, कितने में बेचा, ठीक
ठीक है, आपका टेबल एक बन जाना चाहिए साइड पे रफ कॉलम में, कि कितनी एसपी है, कितनी सीपी है और किसको इसमें गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और उसकी परसेंटेज कितनी आ रही है। ठीक है बेटे, सो केस स्टडी क्वेश्चन विल डू नेक्स्ट टाइम, तो आई सी इफ आई कैन डू। मैं आपको बताई देती हूँ इसका केस स्टडी, अभी कर ही लेते हैं, इट विल टेक 5 मिनट्स। केस स्टडी क्वेश्चन, प्लीज रीड विद मी बेटा, रीड द क्वेश्चन। इसमें ये हरीश बॉट अ गैस चूल्हा फॉर ₹900, बट हिज वाइफ वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द चूल्हा, सो ही सोल्ड इट टू अर्चना एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। जस्ट लिसन टू मी, ठीक है, मेरे को आपका सिनेरियो जो है मैं सब कुछ यहाँ पे लिख रही हूँ। हरीश बॉट इट, ठीक है, उसने कितने में खरीदा, हरीश ने खरीदा ₹900 में, उसने अर्चना को बेचा, अर्चना को सेल किया, ठीक है, कितने पे सेल किया उसने, लॉस पे 20%। परफॉर्मेंस ऑफ द चूल्हा, सो ही सोल्ड टू अर्चना एट प्रॉफिट परसेंट, 5% सेल किया एट प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट उसका ₹5 था, ठीक है बेटे। एंड अर्चना यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, अर्चना ने क्या किया, देर आर वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पीपल, पहले हरीश की बात कर रहे हैं, फिर अर्चना की बात कर रहे हैं, और फिर बबीता की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या हुआ, हरीश ने ₹900 का खरीदा और 5% प्रॉफिट पे अर्चना को बेच दिया, बट अर्चना ने आगे किसको सेल किया, बबीता को, अनदर थर्ड पर्सन को सेल कर दिया। बबीता को जब सेल किया तो शी सोल्ड इट फॉर एट अ लॉस ऑफ 20%, 20% का लॉस किया, ठीक है। आपको एकदम से थर्ड पे जंप नहीं करना, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, ओके। पहले हरीश से अर्चना पे, हैव टू सी द रिलेशन क्या आया इनका बीच में, एसपी निकालनी है कि सेलिंग प्राइस कितने की आई है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ इसमें, यू विल डू इट योरसेल्फ, ठीक है। इसकी एसपी आप निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू 945, आई एम गिविंग यू हिंट बिकॉज आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आपको पता चल गया इसको कैसे करना है। एंड ये जो सेलिंग प्राइस है, हरीश ने बेचा, बेचा मतलब उसकी सेलिंग प्राइस हुई, और किसने खरीदा, जिसने खरीदा उसकी कॉस्ट प्राइस हुई, ठीक है बेटे। मैंने आपको बताया था कि जो अपने पर्स में से मनी देता है उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, तो ये इसकी हुई कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 945। तो यहाँ पे जब हम एसपी निकालेंगे तो ये सेलिंग प्राइस जो होगी वो आपकी लॉस परसेंट से निकलेगी, ठीक है बेटे, क्योंकि लॉस दिया हुआ था इसमें 189। इज इट क्लियर बेटा। अब मैं आपको हिंट दे रही हूँ, प्लीज डू एट होम, दिस इज 756। अगर ये नहीं निकला प्लीज विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, यू कैन टेल मी, इनके एमसीक्यू नहीं है, ये आंसर्स दिए हुए हैं तो इसलिए इनकी सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट। तो यही वाला सेलिंग प्राइस जो होगा इसका 756, बबीता का कॉस्ट प्राइस निकलेगा, क्योंकि अर्चना ने बबीता को सेल किया, अर्चना का सेलिंग प्राइस था और बबीता का कॉस्ट प्राइस था, ठीक है बेटे, प्लीज नोट इट डाउन, दिस योर हिंट एंड प्लीज कंप्लीट एट होम। चलो सी यू बच्चे, प्लीज रिवाइज इट। So, Kanav, tell me, if one want to increase their number, if one organism, maybe an ant, maybe a dog, maybe a cat, maybe a tiger, maybe a plant, if any living organism wants to increase their number, what they should do? Yes, Kanav, आगे आके फिर बोलो माइक के पास आकर। किसी ने अपना नंबर इंक्रीज करना है, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाने हैं, मतलब ह्यूमन ने ह्यूमन बनाना है, प्लांट ने अपना प्लांट बनाना है, व्हाट शुड ऑर्गेनिज्म डू? यस, वेरी गुड, सिट डाउन कनव, दे विल रिप्रोड्यूस, राइट। देन सेक्शन टू, स्नोड्रॉप सिरथ, कम फॉरवर्ड, yes, where is Sirat? Section 2, हाँ जी सीरत। So now tell me सीरत, which type of reproduction is better for involving या for including variations, for causing variations? Variations का मतलब होता है differences। मेरे मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल डिट्टो मेरी तरह ना हो, मेरा बच्चा जो है मुझसे different हो, तो which type of reproduction is better, sexual की asexual? Sexual.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स या इट कॉजेस वेरिएशंस. वेरी गुड सीरत, बैठिए. सेक्शन थ्री, दिव्यांशी. दिव्यांशी इज देयर, डेलिया. सेक्शन थ्री, कम फॉरवर्ड क्विकली, भाग कराओ. देखो लास्ट में बैठे, देखे कितनी जल्दी भागते हो. वेरी गुड दिव्यांशी, क्विक. दिव्यांशी, कैन यू टेल मी द बडिंग? बडिंग यू नो राइट, इन यीस्ट, इज इट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आगे आ जाओ, बोर्ड के पास आओ बेटे. हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी गुड. बडिंग इन यीस्ट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा. अच्छा मुझे अब ये बताइए कि पुरानी असाइनमेंट किस किस के पास है, लास्ट वाली? चलिए कोई बात नहीं, हम पहले आज की कर लें, नेक्स्ट टाइम हम पुरानी वाली कर लेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे. राइट, आपने पिछली बार की असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम लेके आनी है, मॉड्यूल वन. बट हम बात कर रहे हैं आज, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यू नो दैट. एक मिनट में जरा थोड़ा सा, स्टूडेंट नहीं बातें नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे बेटा कि प्लांट्स में क्या चाहिए. फ्लावर, फ्लावर इज द रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द प्लांट. इन फ्लावर देयर इज प्रेजेंट, यू नो दिस इज स्टॉक, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, and this is pistil. You all know this. This stamen has the anther which produce pollen grains. These pollen grains, these are transferred to the stigma of the pistil. ये pollen grains है, pollen grains इस तरह के, and this process is called as pollination, right? This is called as pollination. Then pollination, if ध्यान से इधर देखना है, this is one flower. If the pollen grains are transferred on the same flower, it is called as, yes everybody, it is called as pollination. If the pollen grains are transferred to another flower of different plant, it is called as cross pollination. After pollination, the pollen grains, they germinate, they absorb water and they germinate to form the pollen tube. It is present in the pollen tube. ध्यान से आपने बात सुननी है. There are present male gametes. These are sperms. Male gametes or sperms.
is the function of pollen tube? They carry या transport sperms और male gametes to the female gamete. Female gamete is also called as egg. किसके पास लेके जा रहे हैं? Egg के पास लेकर जा रहे हैं. Here, this outer is ovary. This is ovule. Inside the ovule, there is present egg. These male gametes, they fuse with egg to form. क्या बनाएंगे यहां पर? ओव्यूल के अंदर क्या बनाएंगे? पहले जाइगोट. दिस इज जाइगोट. जाइगोट याद रखना है बेटा, एक ही सेल होता है. वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द अदर मेल गैमेट टू फॉर्म वन जाइगोट. दिस इज वन सेल. जाइगोट इज यूनिसेलुलर. देन जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो. सो वेयर एम्ब्रियो इज प्रेजेंट? एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल. दिस इज ओव्यूल. बातें नहीं. सेक्शन टू बेटा इधर ध्यान से. दिस इज ओव्यूल. ये पूरा ओव्यूल है. ओव्यूल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है. दिस इज एम्ब्रियो. और ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट था? ओव्यूल प्रेजेंट था ओवरी के अंदर. दिस इज ओवरी. ये ओवरी की वॉल है बेटा. लेटर ऑन नाउ चलिए आप बताइए, मैं फिर बाद में बताती हूँ. सो हु विल कम? आरव, स्नो ड्रॉप, सेक्शन थ्री. आरव इज देयर? जी आरव. हाँ जी आरव, मुझे ये बताइए बेटा कि ये ओवरी वॉल क्या बनाती है? क्या ये झड़ जाती है, मतलब विदर ऑफ हो जाती है? और डज इट डेवलप इनटू समथिंग? अच्छा नो ओके आरव, यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट का कौन सा स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट फॉर्म द सीड एंड द फ्रूट? हाँ जी दोबारा से. यस फ्लावर्स तो है. फ्लावर का कौन सा पार्ट सीड बना रहा है? ओवरी फॉर्म द सीड. एंड विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म द फ्रूट? चलो बैठो, अभी आप थोड़ा सा अंदाजा ही लगा रहे हो. यस एनीबडी, आरव बैठिए. एनीबडी वॉन्ट्स टू टेल मी विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म द फ्रूट एंड विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द सीड? यस एनी वन फ्रॉम सेक्शन टू? हर्षिता इज देयर? हर्षिता सेक्शन टू आ जाओ आ जाओ. यस टेल मी बेटा विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द सीड? ovary. And which part of the flower forms the fruit? leaf. तो बेटे पत्ते, फिर तो इतने सारे फ्रूट ही फ्रूट हैं. और फ्रूट में सीड कहाँ से आया? अगर लीव ने फ्रूट बना दिए, ओवरी ने सीड बना दिए, तो कैसे दोनों एक दूसरे के बीच में आ गए?
बैठो, आई विल टेल यू, बैठो एंड एवरीबडी शुड लिसन. बेटा ये सिर्फ सेवेंथ में नहीं है, ये आगे आपको टेंथ में भी पूछा जाएगा. उसके बाद जो स्टूडेंट्स प्लस वन में साइंसेस लेंगे, देन इन इलेवेंथ ऑल्सो द सेम क्वेश्चन विल बी आस्क. यस, देर इज वन स्टूडेंट इन सेक्शन टू. यस, कम क्विकली बेटा. हाँ जी, पहले अपना नाम बताओ फिर आगे बताओ. हाँ, आपकी आवाज दिव्यांश आ रही. हाँ बोलो. हाँ हाँ ओके, दिव्यांश आई होप, राइट? ओके बताओ. ना हाँ जी, फ्लावर विच पार्ट ऑफ द यू कैन से फ्लावर फॉर्म द सीड, बट एंड विच द फ्रूट. बैठो, यू आर नॉट क्लियर. देखो मेरी बात सुनो, लिसन हियर. लीफ, देखिए मेरी जो बच्चों ने बताया मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ. ये ध्यान से, ये लीफ है बेटा, यहाँ पे फ्रू, ये फ्लावर्स है राइट, ये फ्लावर्स है, ये फ्लावर है और ये फ्रूट, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो ये लीफ डजन फॉर्म फ्रूट, या लीफ डजन फॉर्म रिप्रोडक्शन. सीड्स रिप्रोड्यूस करते हैं, और सीड्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वो फ्रूट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये दिमाग में रखो. फ्रूट्स का क्या काम है हमारे खाने? फ्रूट सिर्फ एप्पल मैंगो यही फ्रूट्स नहीं है राइट? अगर हम कहें कि घिया है ना, कुकम्बर, ये भी फ्रूट है, उसके अंदर जी सीड्स प्रेजेंट है. फ्रूट्स का मतलब वो इंग्लिश वाले फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स. अगर हम साइंस में बात करें तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर सीड्स प्रेजेंट है वो फ्रूट है. फंक्शन क्या है फ्रूट का? ध्यान से एवरीबडी, फंक्शन क्या है फ्रूट का? दैट इज टू प्रोटेक्ट द सीड्स राइट. तो सीड्स यहां बने और फ्रूट यहां बने, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है राइट. तो जो स्ट्रक्चर फ्रूट बनाएगा उसके अंदर का स्ट्रक्चर सीड बनाएगा. तो हमने क्या देखा बेटा कि यहाँ पे ये पिस्टिल है, पिस्टिल में लोअर पार्ट ओवरी है, ये स्टिग्मा है. स्टिग्मा का क्या फंक्शन है? टू रिसीव पोलन ग्रेन. स्टाइल का क्या फंक्शन है? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहां पर है आपका ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो बेटा. एम्ब्रियो क्या है? फ्यूचर चाइल्ड, फ्यूचर प्लांट. ये एम्ब्रियो का फंक्शन है, या ये एम्ब्रियो है राइट. एम्ब्रियो क्या है? फ्यूचर बेबी प्लांट इज एम्ब्रियो. और इसकी जो दीवार है वो किसने बनाई है? दैट इज ओव्यूल ने. ओव्यूल ने इसकी वॉल बनाई है. तो आपको ये पता है कि जो सीड्स होते हैं, आप सीड्स की एक सीड कोट होता है, सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है, और उसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है. सो फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. एवरीबडी राइट डाउन ऑन योर असाइनमेंट्स, फर्टिलाइज्ड. जब फर्टिलाइजेशन हो गई, एम्ब्रियो बन गया, तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इट फॉर्म्स द सीड. एवरीबडी, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म द सीड्स. और ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी के अंदर. तो सीड्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? फ्रूट्स प्रोटेक्ट करते हैं. तो आप सभी मुझे बताओ कि फ्रूट कौन बताएगा? यहाँ पे ओव्यूल, ओव्यूल ने बनाया सीड्स. सीड्स किसके अंदर प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट है. और तो इसका क्या मतलब है कि ओवरी राइप होके क्या बनाएगी? यस एवरीबॉडी, फ्रूट
बिल्कुल ठीक है, इट इज राइप ओवरी। जब राइपनिंग होती है ना बेटा, तो ओवरी की वॉल थिक हो जाती है। सो दिस राइप ओवरी फॉर्म द रूट। ठीक है, तो एवरीबडी शुड राइट ऑन द असाइनमेंट। सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सीड हैज प्लांट एंड सीड इज प्रोटेक्टेड बाय द फ्रूट। और सीड किससे बना? ओव्यूल से। उसके बाहर क्या है? ओवरी। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स फॉर्म द सीड एंड राइप ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट। एवरीबडी शुड राइट ऑन द असाइनमेंट। हाँ ठीक है जी, इज इट क्लियर? हाँ जी, जिस जिसको ये चीज समझ में आई, रेज योर हैंड्स। वेरी वेरी गुड। चलिए अब एक चीज और। हम कहते हैं बेटा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हमने कहा कि यहीं से पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर चले गए। दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। डज इट रिक्वायर इंसेक्ट्स और द पोलन ग्रेन्स विल फॉल देमसेल्व्स? यस, हु विल टेल मी? सेक्शन 4, महक। सेक्शन 4, महक, डेहलिया, इशी देयर? नो, महक इज नॉट देयर। देन विशाल, स्नोड्रॉप, सेक्शन 4। विशाल इज क्विक, कम ये। सेक्शन 2, प्रथम। प्रथम इज देयर। सेक्शन 2, मैं आप ही की क्लास के नाम ले रही हूं। भौमिक, भौमिक भौमिक इज देयर। आ जाओ जल्दी से। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताइए, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। डू सेल्फ पॉलिनेशन रिक्वायर एयर और इंसेक्ट्स और एनिमल्स? नो नो नो, दे डू नॉट रिक्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। बैठो बेटा। सो इन सेल्फ पॉलिनेशन, रिमेंबर दैट, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन कब होगी? ये देखिए, ये फ्लावर है। मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी, ये लेटस से, ये स्टेमन्स है और ये स्टिग्मा है। तो यहां पर पोलन ग्रेन्स खुद ही फॉल कर जाएंगे। दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, दे फॉल ऑफ देमसेल्व्स। वेयर एज इन क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, वेदर द फ्लावर्स आर ऑन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, सम एजेंसी, या तो एयर या विंड और इंसेक्ट्स, दे आर रिक्वायर्ड। तो इन क्रॉस पॉलिनेशन सम एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड। अब जो इंसेक्ट्स है, हाउ डू द इंसेक्ट्स दे ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर? व्हाई दे, फर्स्ट थिंग, व्हाई दे ट्रेवल टू, व्हाई दे विजिट द फ्लावर्स? बिकॉज द फ्लावर्स आर कलरफुल। ध्यान से इधर, फ्लावर्स आर कलरफुल। फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर फॉर द इंसेक्ट्स, दैट्स व्हाई द इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स। दे सिट ऑन दिस फ्लावर, सम पोलन ग्रेन्स दे स्टिक टू द इंसेक्ट्स। व्हेन द सेम इंसेक्ट्स दे विजिट दिस फ्लावर, स्टिकी पोलन्स दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस फ्लावर टू दिस। ठीक है जी, तो हम पहले असाइनमेंट करते हैं जल्दी से। सेक्शन 1 में से बेटा, जो सेंटर वाले टेबल पे फर्स्ट बॉय है, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। अपने असाइनमेंट साथ लेकर आना।
और फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, बडिंग की क्रॉस पॉलिनेशन? वेरी गुड, बडिंग इज द, बिल्कुल ठीक है, बैठिए. फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, ये न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, देन अ स्मॉल आउट ग्रोथ इज फॉर्म्ड, वन न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर, दिस इज बड. सो बड इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, सेक्शन टू, इन द मिडल रो द फर्स्ट गर्ल, आ जाइए भागकर, जो बेटा सेंटर वाले टेबल पे बैठे हैं, जो फर्स्ट लड़की मुझे नजर आ रही है आगे से, वो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच ए न्यू, ये आई होप मैं, आई एम सॉरी, आपके पास मॉड्यूल टू है ना, मॉड्यूल टू का फर्स्ट क्वेश्चन बताइए. आई एम सॉरी, मैं मॉड्यूल ले रही थी, आप मुझे मॉड्यूल टू का बताइए. टीचर विजिटेड है, इट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यहाँ पे आईज के थ्रू या ब्रायोफिल्म में जो बर्ड्स है, या फिर द थर्ड प्लांट, राइट, जहां पर बर्ड्स है. सो इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेरी गुड, बैठिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, सेक्शन फोर, फर्स्ट रो, जहां पे मैट्रिसेस पड़े हैं, द फर्स्ट गर्ल कम फॉरवर्ड. बेटा मैट्रिसेस किस तरफ है, आपकी लेफ्ट साइड पे है, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए स्टूडेंट वॉज गिवन सम फ्लावर्स टू आइडेंटिफाई इन द लैब एंड आस्क्ड टू सेपरेट द फ्लावर्स इनटू टू ग्रुप्स, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैड बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स, जो हम बनाते हैं, दैट इज यहाँ है, यहाँ पे स्टेमन्स भी है और पिस्टिल भी है, और सेकेंड ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है जहां पर एक फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल है और उसी का ही दूसरा टाइप है जहां पे सिर्फ स्टेमंस है, राइट. सो टेल मी द आंसर. ऑप्शन सी, फर्स्ट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स आर बायसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल, बाय मतलब टू, दोनों सेक्स ऑर्गन्स है, दिस इज बायसेक्सुअल. सेकेंड ग्रुप ऑफ फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल. वेरी गुड. चलिए अब मुझे एक और चीज बताना, इसी रो में जो आपकी सेकेंड गर्ल है, कम फॉरवर्ड बेटा, तो मैं पूछूंगी वो बता. आपके नेबरहुड में, सी हियर, हमने असाइनमेंट में बात नहीं करनी है, यहां मैं बात कर रही हूँ, नेबरहुड में एक पपाया का प्लांट है ना, लेट अस से हमारे घर का नंबर है 402. जो 401 में पपाया का प्लांट है, या हम बात करते हैं कि दोनों में इट हैज फ्लावर्स, इट ऑल्सो हैज फ्लावर्स, बट 401 में इट हैज फ्रूट्स ऑल्सो. यहां पे फ्लावर्स बहुत अच्छे है, प्लांट हेल्दी है, बट नो फ्रूट्स. Why? You have to tell me why? इसमें फ्रूट्स नहीं है और इसमें फ्रूट्स है, जबकि दोनों प्लांट्स जो है वो हेल्दी है, दोनों में फ्लावर्स लग रहे हैं. कैन यू गिव मी द रीजन? यस, डू यू, यस और नो, डू यू नो द रीजन? बैठो बेटा, आप बैठो. सेक्शन वन, हाँ जी, सेक्शन टू में से वन गर्ल हैज कम, यस, बिकॉज ओवरी इज नॉट राइट, नॉट राइट. अच्छा जी, एक हम ये कह सकते, बट फिर अगर फिर बाद में राइप हो जाएगी, बाद में फ्रूट्स बन जाएंगे, बट ये प्लांट जो है नेवर फॉर्म्स, थोड़ा सा ध्यान दो, नेवर फॉर्म्स फ्रूट्स. यस, एनी स्टूडेंट, थोड़ा सा, यस, एनीबडी, सेक्शन वन में से देयर इज लास्ट में एक गर्ल, और आई डोंट नो,
वन स्टूडेंट हैज रेज्ड हैंड, कम फॉरवर्ड क्विकली, भाग करो भाग कर, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड, क्या नाम है आपका? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शी हैज टोल्ड मी राइट आंसर दैट। बैठो बेटा, दिस पपाया प्लांट इज ए मेल प्लांट। फ्रूट्स किस पे बनेंगे? फीमेल प्लांट में, मेल प्लांट पे फ्रूट बनेंगे ही नहीं, वो हेल्दी है, उसने सिर्फ पोलन ग्रेन्स देने हैं जो फीमेल प्लांट पे गए और वहां पे फ्रूट्स बन। इज इट ओके? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यस सेक्शन वन, जो मैम के लेफ्ट साइड में स्टूडेंट खड़ा बैठा हुआ है वो आ जाओ, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, ट्रू की फॉल्स, ये मुझे बताओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सीड्स हैं उनको ग्रो करें तो नए प्लांट्स बनते हैं, यस और नो? यस, टू प्लांट्स आर ऑलवेज एसेंशियल, हमेशा दो प्लांट्स चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कि एक प्लांट से भी काम चल जाएगा? चल जाया, कईयों में दो चाहिए होते हैं, जैसे पपाया है इसमें दो चाहिए, मैंगो है उसमें एक ही प्लांट चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग। फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, यस और नो? यस दिस इज ट्रू, ओनली इंसेक्ट्स आर एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, यस और नो? नो, विंड इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, सो आंसर इज ए, वन एंड थ्री, वेरी गुड बेटा, बैठो बच्चे। नेक्स्ट, यस सेक्शन टू, यस टूवर्ड्स एलमीरास थर्ड गर्ल, जो अलमीरा के साथ बच्चे बैठे हैं, तीसरी लड़की, सेक्शन टू, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, द थर्ड गर्ल, कम कम कम। इफ द फ्लावर्स पेटल्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड, एक प्लांट है जो इंसेक्ट्स पॉलिनेट करते, अगर उसकी पेटल्स निकाल दें, जो कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, पेटल्स निकाल दें, तो फ्लावर पे क्या इफेक्ट होगा? क्या फ्लावर रिप्रोड्यूस वैसे ही करेगा कि उसकी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी? यस बढ़ जाएगी। क्विक बेटा क्विक, यस सेक्शन वन फर्स्ट स्टूडेंट, आ जाओ आ जाओ, जिसका हाथ खड़ा है आ जाओ, आप बैठो बेटा। हाँ जी, when the flower may experience a decrease in its ability to reproduce, very good, the flower may experience a decrease in its ability to reproduce, why? Because colorful petals attract insects, agar jaise hi petals flower khila humne uski petals remove kar di, then what will happen? The insects will not visit that flower. When the insects will not visit, no pollination, and when no pollination, no seed formation. So answer is C. Section 4 में से कोई मुझे voluntarily answer करेगा question number 6 का? Yes. Ma'am, किसी को भेजिए section 4 में से जो बैठे हैं बच्चे, इनमें से किसी को भेजिए. Group A. पपाया का मैंने बताया, उसके बेसिस पे आप मुझे बता सकते हो। चलिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे जो पपाया एंड कॉर्न, कॉर्न मतलब मेज, ये यूनिसेक्सुअल है, और जो रोज एंड पिटूनिया है ये बायसेक्सुअल फ्लावर्स है। बायसेक्सुअल का मतलब मैंने बताया, बोथ मेल एंड फीमेल इन द सेम, यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट फ्लावर्स। देन क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन 3 एंड 4 आज सबसे लेजी सेक्शंस है, सेक्शन 1 एंड 2 वेरी एक्टिव, यस क्विकली क्वेश्चन नंबर 7, हु विल टेल मी हाउ इज सेल्फ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन, रेज योर हैंड जल्दी से, सेल्फ
सेक्शन टू में से, सेक्शन वन में से, सम अदर स्टूडेंट, कोई और स्टूडेंट, किसी और को दे दिए, इन बच्चों ने तो आंसर दे दिए, सेंड सम अदर स्टूडेंट, ये सेक्शन वन में से, हाँ जी जिसको मैम ने कहा वो आ जाओ, जल्दी से आओ बेटा, हमारे पास ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। यस, जो सेंटर टेबल पे बैठा है या जो साइड में मैम वाली रो में है, सेकंड स्टूडेंट आ जाओ जल्दी से। हाउ इज सेल्फ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन? बेटा आंसर, चलो मैं बोल रही हूँ, अगला आप देखना। When pollen lands on another flower of the same plant, हाँ जी बेटा आ जाओ आ जाओ, सेक्शन फोर में से आया, वेरी गुड, आ जाओ, कौन सा आंसर आएगा? मैम इन क्रॉस पॉलिनेशन व्हेन इंसेक्ट कैरी द पॉलन एंड इन सेल्फ पॉलिनेशन व्हेन पॉलन लैंड्स ऑन द स्टेम ऑफ सेम फ्लावर। व्हेन पोलन लैंड्स ऑन स्टेम ऑफ सेम फ्लावर, बेटा ये भी ठीक है, मतलब हमने ना बेटा ए बी सी दोनों एक ही वाला मैच करना है आपका, बिल्कुल ठीक है, बट सी भी ऑप्शन ठीक है ना, सी में क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट्स वाला भी ठीक है, बट सी ऑल्सो इज राइट, व्हेन पोलन लैंड्स ऑन अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। यस, क्वेश्चन नंबर 8, एनी स्टूडेंट कम फॉरवर्ड क्विकली, यस सेकंड स्टूडेंट, सेक्शन वन आ जाओ, भाग कराओ। रिवार्ड गिवन बाय द प्लांट्स टू देयर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इट इज नेक्टर भी है बेटा, एडिबल पोलन भी है, ये आंसर आएगा ऑल द अबव। बैठो बेटा मैं बता दूं कि नेक्टर तो है ही है, कुछ फ्लावर्स के जो है वो पोलन ग्रेन्स भी खाने वाले होते हैं, तो कुछ पोलन ग्रेन्स खा लेते हैं और कुछ ट्रांसफर करते हैं, और कुछ फ्लावर्स में बेटा इंसेक्ट जाकर अपने अंडे देते हैं, राइट, और उन फ्लावर्स के अंदर उस उन अंडों में से उनके लार्वा निकलते हैं, राइट, सो याद रखना है ऑल द अबव। व्हाट डू द प्लांट्स प्रोवाइड? दे प्रोवाइड नेक्टर, दे प्रोवाइड एडिबल पोलन एज वेल एज नर्सरीज। ठीक है, आपका टाइम हो गया बेटा, तो अगली बार रिमेंबर दैट यू हैव टू ब्रिंग ऑल द टू असाइनमेंट्स, बोथ द असाइनमेंट्स वी विल डू दिस नेक्स्ट टाइम, दोनों असाइनमेंट्स। अब मुझे ये बताइए बेटा कि आपने कौन सा नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया बेटा, आगे आकर बताओ, कोई स्टूडेंट कम फॉरवर्ड नियर द माइक एंड देन टेल। यस, सेक्शन फोर में से वन गर्ल कम फॉरवर्ड फर्स्ट रो में से, आ जाओ बेटा, कोई सी बच्चा आके मुझे यही बताना है भी आपने क्लास में क्या चीज शुरू की है। एक मिनट, सेक्शन टू, सेक्शन फोर, हाँ जी बताइए बेटा क्या, कौन सा? दोबारा से, हाँ ओके ओके, ठीक है बेटा, चलिए दैट्स गुड, सो वी विल रिवाइज दीज कंसेप्ट्स नेक्स्ट टाइम अगेन एंड वी विल डू बोथ द, यस मैम, ओके Okay, ma'am. Thank you. Okay, beta. Bye-bye. Have a good day.